हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नीड ऑफ फिजिक्स चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल और साथ ही साथ कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करके एक टॉपिक है, उसमें हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल आखिर है क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो एक तरह का वर्क होता है। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, मतलब एक इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से हम लोग को एक पॉइंट डिजायर्ड लोकेशन तक हम लोग को वो पॉइंट लाना है। ठीक है, तो वो जो वर्क होता है ना, मतलब वॉट एवर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन प्लेस, ओके, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, एंड इन द प्रोसेस, मतलब ये जो वर्क होता है ना, इस वर्क में ना, मतलब अपोजिशन फोर्सेस भी होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग को ना, सपोज ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, तो हम लोग को एक और पॉइंट कंसिडर करना होता है, एक इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक इन्फिनिटी पॉइंट है, ओके, और एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये जो पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा है कि वही पॉइंट चार्ज हम लोग लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना, वो हम लोग इन्फिनिटी से ओ तक लाएंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से ओ तक लाने का जो प्रोसेस है ना, उसमें जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ओ, ओके, दैट वर्क डन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड है, लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा कि ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ओके, तो हम लोग गिवन पॉइंट ओ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बस फर्क ये कि जो पॉइंट चार्ज आपको दिख रहा है ना, प्लस क्यू, ओके, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू दिख रहा है ना, वो हम लोग को इन्फिनिटी से ओ तक लाना है। ठीक है, तो वो प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है ना, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो वर्क हो रहा है ना, ये मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अपोजिट फोर्सेस है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से ओ तक आ रहा है। ठीक है, तो ओ तक आने से, ओ तक अभी वो पॉइंट चार्ज आ रहा है ना, तो उसको अपोज करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अपोज करते हुए वो पॉइंट चार्ज ओ तक आता है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हो रहा है ना, बाय अपोजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, दैट वर्क डन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, उसका डिनोशन क्यू नॉट है। ठीक है, क्यू नॉट मतलब एनी काइंड ऑफ यूनिट चार्ज, ओके, यूनिट चार्ज बोलते हैं उसको। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका SI यूनिट है और CGS यूनिट है। SI यूनिट, ओके, SI यूनिट मोस्टली कंसिडर किया जाता है, CGS यूनिट उसका छोटा यूनिट होता है। ठीक है, हम लोग कन्वर्जन करते हैं ना वैसा, मतलब मीटर टू सेंटीमीटर कैसा है, मीटर SI यूनिट है और सेंटीमीटर CGS यूनिट है। तो CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ओके, और SI मतलब मीटर किलोमीटर किलोग्राम ये सब। ठीक है, अभी इनके यूनिट्स भी डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन गिवन चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट क्या है, तो वर्क डन का यूनिट जूल होता है। ठीक है, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट, मतलब पोटेंशियल का वो यूनिट हो गया वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय वी, तो वी का यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, अभी CGS यूनिट में कैसे आएगा, CGS स्टूडेंट में अर्ग, ओके, ERG अर्ग अपॉन स्टैट कुलम। ठीक है, स्टैट कुलम एक छोटा क्वांटिटी होता है, छोटे क्वांटिटी के चार्ज को हम लोग स्टैट कुलम देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट जूल पर कुलम होता है ना, तो यहाँ पे अर्ग पर कुलम आएगा, अर्ग पर स्टैट कुलम। ठीक है, तो हम लोग ने यूनिट डिस्कस किया और हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया, और साथ ही साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। बस इतना याद रखो कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में ना वर्क डन होता है। ठीक है, वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, ओके, इनफाइनाइट लोकेशन से हम लोग एक डिजायर्ड पॉइंट तक लाते हैं वो पॉइंट को। ठीक है, मतलब वो जो प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू इज द पॉजिटिव चार्ज दैट वी हैव टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट टू। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट टू तक लाने के लिए जो वर्क होता है, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ओके, नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज एक पॉइंट चार्ज मैं दिखाता हूं आपको,
तो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक रीजन में क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। वेयर एज स्ट्रेंथ जो होता है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट चार्ज। अब मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया ना, उसमें जो येलो कलर के लाइंस है ना, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, और वो एक नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ना, तो वही मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ जो वैल्यू होता है ना, स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज के सराउंडिंग में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसका वैल्यू है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग ने कंसेप्चुअली कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, लेकिन फॉर्मूला वाइज देखते क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज। यहाँ पे एफ के ऊपर जो एरो है ना, ये डिनोट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन। अभी वो डायग्राम में हम लोग को येलो कलर के जो लाइंस दिख रहे थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिख रहे थे, वहां पे एरो भी दिख रहा था ना, वो एरो डिनोट करते हैं कि एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है, ठीक है। अभी ओके, वर्क वर्क डन का भी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये डिराइव कैसे करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है, क्यू इंटू वी, ये डिराइव कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये बॉक्स में क्या दिया वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसको है वो देखते हैं। इट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, तो एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव को ज्यादा समझते हैं और नेगेटिव को कम समझते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो गैप होता है ना, दैट गैप इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, ओके। तो दो तरह के प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है, वो डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगेन, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना दो प्लेट्स के बीच में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, मतलब कितना गैप है, ओके, कितना गैप है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, दैट गैप इज पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी कम होगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। अभी सपोज मैं वही डायग्राम आपको फिर से दिखा दूं, ठीक है। हाँ, अभी ये डायग्राम से हम लोग, ये जो येलो कलर के लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बराबर। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी ये जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सपोज हम लोग एक और पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किधर, तो हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ना, प्लस सेंटर में जो है स्पीयर के, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक क्रिएट होगा, ओके, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक क्रिएट होगा वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अभी सपोज, सॉरी, अभी सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट ओ है, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, और इसके अराउंड एक गॉशियन सरफेस है, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ओके, और ये पॉइंट पी है, ठीक है। हम लोग वही पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट पी सरफेस के ऊपर है, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस होंगे,
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर समझो मैं ये पॉइंट भी बहुत दूर ले रहा हूँ, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा ना, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल आर जो है ना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ओके, एंड द रिस्पेक्टिव पॉइंट एट विच वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं ये जो पॉइंट पे है ना, अगर मैं बहुत दूर ले रहा हूँ, उसका डिस्टेंस सेंटर से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर चले जाएगा ना, मतलब एक एक्सटेंसिव बहुत दूर निकल जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा। अभी पॉइंट पी है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन अगर ये बहुत दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं होगा उस पर, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर पॉइंट पी देखो, अगर पॉइंट पी सेंटर से नजदीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब, क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट है ना, उस वो सोर्स है ना, मतलब सोर्स मतलब क्या, कि वहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहे, ठीक है। और अगर हम लोग पॉइंट पी को उसके नजदीक रखेंगे, तब जाके वो पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा ना। अगर मैं पॉइंट पी को बहुत दूर रख रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने का था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस को, ठीक है। ओके, हेंस ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ओके, अभी ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से वी न्यूमरेटर में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से जो स्मॉल डी है डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में आएगा। कैसा होता है कि अगर जो क्वांटिटी न्यूमरेटर में है ना, वो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये डायग्राम में ई जो है, ई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इसका यूनिट भी डेराइव हो गया, वोल्ट पर मीटर। ओके, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्जेस एंड लेंथ बिटवीन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज डिनोटेड बाय पी, इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। डायपोल मतलब क्या, दो पोल्स। दो पोल्स मतलब पोल जो होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पोल और एक नेगेटिवली चार्ज पोल, ठीक है। तो दो पोल्स मिला के एक डायपोल क्रिएट होता है, ठीक है। मोनोपोल का मतलब क्या है, कि एक ही सिंगल पोल मतलब एक ही चार्ज, डायपोल मतलब दो चार्जेस, ठीक है। और हमेशा हम लोग मैग्नेट में क्या देखते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब दो चार्ज देखते हैं ना, दैट इज वाई अ मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायपोल। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैग्नेट नहीं कंसिडर कर रहे, हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस। मैग्नेट में कैसे होता है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक कनेक्टेड होते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर करेंगे। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हम लोग को सेपरेट कंसिडर करना है, मतलब एक सेपरेट पॉजिटिव चार्ज और एक सेपरेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये सेपरेट पॉजिटिव और सेपरेट नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, क्यू इंटू टूवेल्व। ओके, क्यू इंटू टूवेल्व, तो क्यू क्या है, तो क्यू इज द चार्ज, ओके, एंड टूवेल्व क्या है, टूवेल्व इज द डिस्टेंस, ओके, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला इज चार्ज इंटू डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर ना, तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो कूलम मीटर इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अभी ये 12th का टॉपिक है, तो मैग्नेटिज्म में कैसा होता है, मैग्नेटिज्म भी टॉपिक है 11th में, वहां पे कैसा होता है कि 12 जो होता है ना, वो एक तरह का मैग्नेटिक लेंथ होता है। मतलब आप एक बार मैग्नेट इमेजिन करो ना, एक बार मैग्नेट में कैसा होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज पोल कंसिडर करते हैं और साउथ पोल को नेगेटिवली चार्ज पोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो लेंथ होता है ना, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, दैट गैप इज मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो वहां पे मैग्नेटिक लेंथ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेट वहां पे कंसिडर हो रहा है ना, यहाँ पे मैग्नेट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
ऐसा मैग्नेटिक लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन वहां लेकिन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कनेक्टेड है, मतलब वहां पे जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए जाएंगे ना वो यहाँ पे भी सेम ही आएगा, लेकिन जो नोटेशन है वो अलग होंगे, ठीक है, नोटेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। अभी मैंने वेक्टर क्वांटिटी बोला था, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां पे फोर्स क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और इसका जो डायरेक्शन है इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखो ये नेगेटिवली चार्ज पोल है और एक पॉजिटिवली चार्ज पोल है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2L, मैंने जैसे मैग्नेट में बताया था वैसे ही, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी होता है, एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन भी होता है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी ये जो पॉजिटिवली चार्ज क्यू है ना, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ना ऐसे बाहर निकलेंगे, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे ना वो ऐसे करके बाहर से नेगेटिवली चार्ज पोल के अंदर घुसेंगे, ठीक है। मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है, मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। मैग्नेट में कैसा होता है, जो नॉर्थ पोल होता है ना नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं और वो साउथ पोल में एंटर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कैसा हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज जो पोल है ना वहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पोल में एंटर करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, उसमें जैसा एरो होता है ना, मतलब हमने डायग्राम में देखा था कि वहां पे वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ओके, दे एग्जिट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज पोल एंड दे एंटर फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पोल, ओके, एंड वाइल एंटरिंग हाउ दे एंटर, वो एंटर कैसे करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज पोल से वो पॉजिटिवली चार्ज पोल की तरफ जाएंगे ना, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज क्यू से वो नेगेटिवली चार्ज क्यू तक पहुंचेंगे पहले, फिर डायपोल के अंदर, ठीक है, डायपोल के अंदर वो नेगेटिवली चार्ज पोल से पॉजिटिवली चार्ज पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, दैट इज वे उसका डायरेक्शन जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप भूल जाओगे, ठीक है, आप एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव था टू पॉजिटिव था या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव था, तो नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर से था, ठीक है, मैंने जो एरो आपको माउस जो मेरा है ना वो बाहर से जा रहा है ना, लेकिन डायपोल मोमेंट में कैसा होता है, ठीक है, मैग्नेट में कैसा होता है, मैग्नेट के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लो कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है ना वो माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू फ्लो होंगे, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, ओके, और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे ना वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये टॉपिक क्यों अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो वहां से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना उसका फॉर्मूला आया, देखो ये दिख रहा है आपको, यू कैपिटल यू इज इक्वल टू क्यू इंटू कैपिटल वी, ये कैपिटल वी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, लास्ट लेक्चर में देखा था लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से नहीं गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज ना, अगर ये चार्ज को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो यू अपॉन क्यू होगा, बट यू इज इक्वल टू वर्क डन ना, ये डेफिनेशन देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, तो एक्चुअली यू जो है ना दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है, तो अगर यू की जगह डब्ल्यू पुट करेंगे ना और ये क्यू को अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ना तो डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है जो कि वी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग को कनेक्ट करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है ना, इसलिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ओके, अभी मल्टीपल पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा, ओके, तो V1 क्या है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू Q1,
अभी जैसे मैंने बोला कि जब तक चार्ज नहीं होगा ना, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। अगर चार्ज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं Q1 चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो उसका एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ओके, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। पोटेंशियल के दो फॉर्मूले थे, वर्क डन अपॉन चार्ज, ओके। तो यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि K Q1 अपॉन R। अभी ये K क्या है, तो ये K जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। जैसे एप्सिलॉन जीरो था ना फर्स्ट लेक्चर में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे यहाँ पे के जो है ना वो एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसका वैल्यू भी शायद से 9×10⁻⁹ करके कुछ तो, ठीक है, वो जाने दो, वो कांस्टेंट है। लेकिन हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो ये क्यू और ये आर, ठीक है, मतलब चार्ज और डिस्टेंस, ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों को रिलेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी, ओके, चार्ज क्यू और डिस्टेंस आर, ये तीनों को रिलेट करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट घुसा रहे हैं वहां पे, ठीक है। मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो भी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो हम लोग डिनोमिनेटर में लेंगे, और जो भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हम लोग न्यूमरेटर में लेंगे। और दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, तो एक कॉन्स्टेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई वी गॉट दिस इक्वेशन, ओके। V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू दिस चार्ज Q1, ओके। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि वी मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो Q2 आपको दिख रहा है ना, ये Q2 सपोज एक चार्ज है, ठीक है, हम लोग ये चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाएंगे, मतलब ये पॉइंट पी है, इसके और दूर इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक हम लोग को Q2 चार्ज हम लोग को लाना है, ठीक है। तो दैट ब्रिंगिंग प्रोसेस, ओके, दैट प्रोसेस टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ओके, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का जो प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके ओके। तो हमने Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाया, ठीक है, ओके। तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का जो वर्क हुआ ना, दैट वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी विदाउट एक्सेलरेशन इज Q2 इनटू V1, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक फॉर्मूला था, और एक चार्ज इनटू पोटेंशियल, दो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, Q इनटू V। यहाँ पे Q2 इनटू V1 कंसिडर किया है। Q2 इनटू V1 क्यों कंसिडर, Q1 इनटू V1 क्यों क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि वी आर ब्रिंगिंग चार्ज Q2, राइट, दैट इज वाई वी कंसिडर Q2 इंटू V1, ओके ओके। और ये जो V1 है, इट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ Q1, राइट। वी आर ब्रिंगिंग Q2, Q1 की तरफ हम लोग ला रहे हैं ना, तो Q1 का भी रोल इम्पोर्टेंट है। तो Q1 V1 पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और हम लोग Q2 को ला रहे हैं Q1 की तरफ, दैट इज वाई वर्क इज डन ऑन Q2। इसलिए फॉर्मूला में ना Q2 इंटू V1 आता है, ठीक है। अभी ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q2 इनटू V1, ओके। लेकिन ये आगे वाला फॉर्मूला जो है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर, ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला जो है, ये U इज इक्वल टू Q इनटू V, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, बराबर। ये जो पोटेंशियल है ना, वहां पे हम लोग पोटेंशियल का नया फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। पोटेंशियल का नया फॉर्मूला क्या था, के Q1 अपॉन आर। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू, ओके, और एक क्यू आएगा अपॉन डिस्टेंस, समथिंग कुछ तो आएगा, राइट। तो हम लोग Q1 एक चार्ज कंसिडर करेंगे, और Q2 एक दूसरा चार्ज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के। दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्यों इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि एक रिलेशन जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सपांडेड वर्जन है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला और एक सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है।
नाउ वी विल गो ऑन टू ये टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, कैपेसिटेंस हम लोग तीन कैपेसिटेंस में मैंने बोला था कि तीन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब सीरीज में अगर कैपेसिटर्स कनेक्ट किए, पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट किए तो फॉर्मूला कैसा आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है फॉर्मूला वाइज, तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज होता है. ठीक है, ओके, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो कूलम पर वोल्ट होना चाहिए ना, लेकिन इसको एक साइंटिस्ट ने डिराइव किया ना, ये टर्म जो है कैपेसिटेंस, वो एक साइंटिस्ट ने डिराइव किया, उसका नाम फैराडे था. दैट्स व्हाई इट्स एसआई यूनिट इज गिवन बाय फैराडे. ओके, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे. ओके, अभी डायमेंशंस करके भी एक टर्म होता है. ठीक है, तो डायमेंशंस में ना हम लोग तीन क्वांटिटीज लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम. ठीक है, तो एम एल टी से हम लोग एक डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग को मेन फॉर्मूला आना चाहिए कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज. ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज कैपेसिटेंस. ठीक है, डेफिनेशन भी वैसे, रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो क्यू अपॉन वी. ओके, अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि वी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो हम लोग वी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्यू अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो जो लास्ट में जो क्यू आपको दिख रहा है ना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, वो हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे. ठीक है, वैसा रूल होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू आएगा. ठीक है, और करंट का फॉर्मूला याद है आपको, एकदम बेसिक फॉर्मूला, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट. तो दैट रेट क्या होता है, वो टाइम होता है. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी. ओके, तो वहां से क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, तो करंट इंटू टाइम. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट क्यू का फॉर्मूला इंटू आई टी जो है ना, वो हम लोग इस पर डालेंगे. ठीक है, आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, वी विल पुट इंटू दिस क्यू. ओके, तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर है ना, तो आई और टी का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशन में ना बेसिक क्वांटिटीज लिए जाते हैं. ठीक है, बेसिक, बहुत बेसिक. ओके, हम लोग वी, हम लोग ये जो वी है ना, उसका डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते, या फिर जो चार्ज है उसका डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते. जो बेसिक क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि टाइम, ओके, वर्क डन, ओके, करंट, ये क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन पुट करेंगे. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी कैसे आएगा देखते हैं. ठीक है, तो करंट जो है उसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है. ठीक है, तो एम्पियर इज जनरेटेड बाय कैपिटल ए. ओके, तो उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि करंट स्क्वायर है. ओके, टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर. ओके, तो कैपिटल टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, और वो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है, डिनोमिनेटर में वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो, वो बाय करना पड़ेगा. एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक है, अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में टी रेस टू माइनस टू है ना, वो ऊपर जाके इंडाइसिस के इक्वेशन के अनुसार पावर में जाएगा. ठीक है, मतलब टी जो है वो कॉमन रहेगा, और ऊपर पावर में ना माइनस टू ऊपर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो टी रेस टू टू प्लस टू हो जाएगा, तो टी रेस टू फोर आ जाएगा. ठीक है, और ए का स्क्वायर तो वैसे का वैसे, क्योंकि कुछ इफेक्ट नहीं गिर रहा है. ठीक है, जब तक सेम क्वांटिटीज नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा. ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर है. ठीक है, टी रेस टू फोर. अभी एम वन और एल टू ये डिनोमिनेटर में, तो इनको न्यूमरेटर में जब हम शिफ्ट करेंगे, उनका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. एम रेस टू माइनस वन, एल रेस टू माइनस टू, टी रेस टू फोर, ए रेस टू टू, वन टू फोर टू. ये ट्रिक याद रखो, बस वन टू फोर टू, बस पहले दो नंबर्स को माइनस आएगा, एम माइनस वन, एल माइनस टू, और बाकी के नंबर्स को टी रेस टू फोर, ए रेस टू टू. ठीक है, वन टू फोर टू, ये नंबर याद रखो, और एम एल टी ए. ठीक है, ये सीक्वेंस में याद रखोगे ना, तो आराम से आपको कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा. ठीक है, तो हमने एसआई यूनिट किया, ओके, डेफिनेशन किया और डायमेंशनल फॉर्मूला किया. नाउ वी विल सी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस देखते हैं. ओके, तो अ कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, ओके,
व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है, अभी ये क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अभी सपोज है कि ए कंडक्टर है, ठीक है, ओके, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। कंडक्टर आइदर पॉजिटिवली चार्ज नहीं तो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन इस केस में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सपोज एक बी कंडक्टर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सिंबल है ना, दैट सिंबल स्टेट्स कि ये बी कंडक्टर वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ मतलब ग्राउंडेड है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या था कि कैपेसिटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स कि कैपेसिटेंस ऑफ अ रिस्पेक्टिव कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ए आपका जो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है ना, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे किया जाएगा? तो अगर ये जो अर्थ कंडक्टर है ना, अगर मैं बी जो अर्थ कंडक्टर है, अगर मैं ए की तरफ लाऊंगा ना, तो ए का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अर्थ कंडक्टर, ओके, एक दूसरे कंडक्टर के अगर नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो जिस कंडक्टर के नजदीक आ रहा है ना, उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ए के नजदीक आ रहा है ना, तो ए का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर ए समझो अर्थ होता, ग्राउंडेड होता, अगर ए को बी की तरफ अगर मैं ला रहा हूँ, तो बी का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर बी को ए की तरफ ला रहा हूँ, तो ए का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अगर ए को बी की तरफ ला रहा हूँ, तो बी का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों में से एक जो है ना, वो अर्थ होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बी जो है ना, वो ग्राउंडेड है। ठीक है, बी जो है ना, वो ग्राउंड कनेक्शन से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स भी हो गया। मतलब इम्पोर्टेंट ये था कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, कैपेसिटर मतलब कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कैसे किया जाता है, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस इम्पोर्टेंट है। कि कोई भी अर्थ कंडक्टर को हम लोग को एक कंडक्टर के नजदीक लाना पड़ता है, तब जाके उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, नाउ वी विल सी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज में क्या किया जाता है, सीरीज में कैपेसिटर जो है ना, वो एक लाइन में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एक लाइन में कनेक्ट किए जाते हैं, C1, C2, C3। ठीक है, एक ही लाइन में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पैरल में कैसा होता है, पैरल में एक लाइन में नहीं कनेक्ट किए जाते। ठीक है, मतलब C1, C2, C3 कैसा कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं पास करूंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर मैं पास करूंगा, तो C1, C2, C3 सीरीज में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो C2 से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाकी के दो कैपेसिटर्स तो इस लाइन से पास नहीं हो रहे ना। ठीक है, वो तो पैरल है। ठीक है, तो पैरल डायग्राम से ही पता चलता है कि कौन पैरल है और कौन सीरीज है। ठीक है, ओके, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे। अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे, तो उन तीनों का जो इक्विवेलेंट होता है, रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, उस आउटपुट सी सी इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे रेजिस्टर्स होता है ना, अगर रेजिस्टर्स हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रिस्पेक्टिव रेजिस्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं। मतलब R1, R2, R3 अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, वैसे ही कैपेसिटेंस में भी होता है। अगर मैं ना अगर मैं कैपेसिटर्स को ना अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो कैसा आएगा। ठीक है, 1/C1 + 1/C2, ओके, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, क्रॉस करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। ठीक है, C2 × 1 + C1 × 1 / C1 × C2, C1 × C2, तब जाके हम लोग को एक फॉर्मूला आएगा, C1 + C2 / C1 × C2। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे 1/ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हम लोग को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब हम लोग को रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 / C1 + C2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर्स डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन कंसिडर किया, अब दो से कंसिडर करो ना, दो से भी आंसर आ जाएगा। दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है ना, ठीक है, तो उनका फाइनल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ठीक है, अभी अगर पैरल में कनेक्ट किया तो क्या आएगा, एकदम सिंपल, पैरल में कनेक्ट किया डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपको तीन कैपेसिटर ऐसे लाइन में पैरल कनेक्ट किए दिख गए, तीनों को ऐड कर दो। अगर फाइनल कैपेसिटेंस पूछा है, इन तीनों का फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, तो तीनों को ऐड कर दो। ठीक है,
अगर सीरीज में कनेक्ट किए तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो तीनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का एडिशन, वेरी इजी। ठीक है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था बस। ठीक है, तो अभी कंसेप्चुअली देखते हैं। फॉर्मूला वाइज तो देख लिया कि दो फॉर्मूलाज है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 किसका फॉर्मूला है, तो अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है। लेकिन नॉर्मल एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3 कब आएगा, जब पैरल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी कैपेसिटर जो पैरल में होते हैं ना उनका वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच वन, मतलब ये जो प्लस प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वी वी करके। तो ये जो वी है ना वो C1 C2 C3 तीनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी सेम, ओके, क्योंकि पैरल में कनेक्ट किए। रेजिस्टर्स का भी सेम ही होता है, रेजिस्टर्स अगर पैरल में कनेक्ट किए जाएंगे ना उनका वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सेम होता है। ठीक है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर CEQ इज वन दैट स्टोर्स द सेम टोटल चार्ज व्हेन कनेक्टेड टू द सेम बैटरी। ओके, सपोज ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और ये C1 C2 C3 इंडिविजुअली कनेक्ट किया है ना, अगर मैं C1 C2 C3 को ऐड करके एक नया कैपेसिटर अगर मैं यहाँ पे फिट कर रहा हूँ ना, तो उसका भी कैपेसिटेंस, उसका भी जो चार्ज रहेगा ना, जो इन अभी सपोज एक चार्ज क्यू C1 C2 C3 से फ्लो रहा है, सपोज एक चार्ज क्यू C1 C2 C3 से फ्लो रहा है, तो वही चार्ज इसका इक्विवेलेंट से भी फ्लो होगा। ठीक है, तो चार्ज का एडिशन करो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो ये देखो ये फॉर्मूला है ना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C इंटू V आ जाएगा। तो वही पुट करो ना यहाँ पे, देखो Q का फॉर्मूला CV, C1V प्लस C2V प्लस C3V, ओके, तो Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट CV। ठीक है, तो गाइस आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फिर से डिस्कस किया, कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया। तो गाइस बने रहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग खत्म करने वाले हैं बस, और इसके डेरिवेशन बचे, ठीक है, और कुछ कंसेप्ट बचे, ठीक है, तब जाके हम लोग का फोर्थ या तो फिफ्थ लेक्चर में हो जाएगा चैप्टर खत्म। तब तक बने रहो गाइस, डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय। क्या हो गया, हाय गाइस।